back to my YouTube channel. This is me, Zainab Faisal. Welcome to my next video. So, आज मैं आई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ. So, आज मैंने जाना है अपनी एक फ्रेंड की बहन की माइयों पे. ठीक है, काफी लंबा रिश्ता है, लेकिन जो भी हो माइयों माइयों होती है. ठीक है, तो अभी मैं हया के घर से स्लीप ओवर करके आ रही हूँ और मैं अभी घर आई हूँ और मैंने अभी कपड़े वगैरह देखने, क्योंकि घर में मैंने उसके घर जाके तैयार होने, हम मतलब मिलके तैयार होंगे और मिलकर ही जाएंगे. लेकिन मुझे अभी अभी बताया गया कॉल पे कि मतलब मैंने कॉल की थी कि मैंने माइयों पे जाना है और मामा ने कहा कि आज चाचू ने भी आना है. अब मैं मामा से पूछती हूँ कि कौन सा यार चाचू ने आना, तो गलत बात है. जिस दिन मैंने माइयों पे जाना उस दिन चाचू ने भी आना है. अभी मम्मी से पूछते हैं कि कौन से चाचू आ रहे हैं. हेलो मम्मी, गए थे ना वही आ रहे, तो तुम्हें नहीं पता था आ जाना है. और मम्मा आप देखो कितनी देर बाद, तो गलत बात है. तो बताया कि मेरी बहन की माइयों है यार, पहले की बात नहीं, अर्जेंट प्लान ही होते हैं. लेकिन मम्मा मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, फिर वापस आ जाऊँ, मतलब गेस्ट के होते होते आ जाऊँ. हम कल रख लेते, नहीं तो दावत जैनब साहब जा रही माइयों पे. अभी ऐसा भी ना प्रायोरिटाइज करो मुझे कि जैनब जा रही आज, तो दावत ही पूरी कल रख लेता. मैं ना तुझे कोई कपड़े निकाल के दे रही, मैं अपने काम कर रही हूँ, मैं बहुत बिजी. मम्मा मैंने ऑलरेडी अपने कपड़े निकाल लिया, टैलेंटेड हो गया हूँ. बस राबिया की पिछली ईद के ड्रेस निकाला, वो अलग बात है. खैर ऐसे ही काम चलता है यार, दूसरों की माइयों से ही हो ना, कुछ भी पकड़ के पहन. इतनी गर्मी है, वो मोटा है. अब मुझे नहीं आइडिया वहाँ कितनी गर्मी है, मतलब हालात तो कहीं नहीं पता होते, तो हर हालात में इंसान को रहना चाहिए. मैंने तैयार होना है अभी. क्या कहा था, जैनब तैयार करेगी, जैनब खुद माइयों से ही जा रही. यार मम्मा आपका हीरो तैयार करे, वैसे भी मैंने भूत बना देना सबको, घर में किसी को भी तैयार करूँ, मैं खुद ही तैयार हो जाती हूँ. अच्छा ठीक है, अभी हम लोग कपड़े वगैरह पकड़ते हैं और है की तरफ चलते हैं, और वहाँ जाके अभी सर ने भी आना, उनसे भी पढ़ना है, पढ़ाई भी करता हूँ यार. उधर तैयार होना है. हाँ ना, तुमने पढ़ना भी, अभी ट्यूशन पे नहीं जाना पढ़ती यार. सर आते हैं ना उधर, तो मैं वहाँ पे जाके पढ़ती हूँ. सांस रुक जाए, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए. अच्छा काफी लेम था. तो अभी हम लोग कपड़े निकालते हैं और चलते हैं, तो लेट्स गो. ओके गाइस, तो यहाँ पे मुझे बैठी हुई मिली है फातिमा. हेलो, कैसी हो? हेलो, हाय. पता है आज मैं माइयों पे जा रही हूँ अपनी फ्रेंड की. आज तो घर पे मेहमान आ रहे हैं यार. मामा ने मुझे यही बताया कि घर पे मेहमान आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा है कि माइयों थोड़ी सी ज्यादा जरूरी है, और भी वापस आ जाओ. वहाँ से आ जाना, क्योंकि प्रेजेंस जरूरी होती है, तुम्हें पता है रिश्तेदारों में. यार एग्जैक्टली, रिश्तेदारों में मेरे प्रेजेंस तो, क्योंकि यार मैं आई एम द बेस्ट, जैनब द बेस्ट, वो नहीं होगी तो दावत नहीं होगी. इसलिए तो मैं माइयों से जल्दी आ जाऊंगी, ताकि नहीं होगी तो हर कुछ हो जाएगा, एम ही हो जाएगा. यार मैं मेन कैरेक्टर हूँ. तो यार अभी दोस्त के घर जाते हैं, वहां पे त्यार शहर होते हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ. तो लेट्स गो. ओके गाइस, सो यहाँ मैंने जूतों का इतना गंद डाल दिया है, मम्मी जो है वो पराठे शराठे बना रहे हैं. कुछ होश कर लो, एक मैं सफाई कर रही हूँ, साथ साथ तेरे अब गुस्से निकल आएगा. मम्मा जी मुझे गुस्सा चाहिए था ड्रेस के साथ, मैं इतनी और अपने ड्रेस में आपको वहाँ जाके दिखाती हूँ. और ये पापा तुमने कमरे में सारा गंद भरा है, कि मुझे एसी के पेपर चाहिए वो निकाल के दिए, अब तुझे गुस्से चाहिए. पापा मैं एक ही चीज है ना, मतलब हमारा गंद डालना तो इस परमानेंट, ठीक है. अभी मैं थोड़ी देर तक जा रहा हूँ, सफाई करके जाओ जल्दी. ओहो मम्मा यार, तक जाता हूँ मैं सफाई करके. मैंने किया है व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर लोग कहते हैं अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है. सही सूट निकाल दी है ना, तुम कहती पिंक पहने येलो में. हाँ जी, अब्दुल्ला नहीं लगूंगा बेगानी शादी पे. ओके गाइस, गाड़ी में बैठ चुका हूँ, फातिमा वहाँ से आ रही है, सही है, तो हम लोग गाड़ी चलाएंगे. लेट्स गो, और अब भैया के घर जाके आपको सब कुछ दिखाती हूँ. ओके गाइस, तो थैला वगैरह हम लोगों ने पकड़ लिया हुआ है, सही है. मैंने खुस्सा पहना है, मेरा फिट चेक तो बहुत हैवी जा रहा है. तो अभी हम लोग बल चल देते हैं और घर के अंदर घुसते हैं. खोल दो दरवाजा, जैनब फैसल आ गई है. ओके गाइस, सो फाइनली मैं हया के घर पहुंच चुकी हूँ. तो अभी मैंने करना है मेकअप, कपड़े शपड़े पहनने से, ये कपड़े वगैरह मैंने यहाँ रख दिए हैं. हया जो रेडी हो रही है, सही है, और उनकी बहन सब लोग रेडी हो रहे हैं. वहाँ जाके मैं आपको दिखाऊंगी क्या मस्ती मजा होता है, ठीक है. अभी तो मैं मेकअप करती हूँ और फिर आपको मेकअप के बाद वही लुक दिखाती हूँ. लेट्स गो. ओके गाइस, सो फाइनली मेकअप वेकअप तो था, वो मैंने कर लिया, और ड्रेस भी मैंने पहन ली, वो मैं आपको सबसे एंड पे दिखाऊंगी. अभी मैं मिलवाती हूँ आपको हसीन औरत से. तो ये है एक लड़की, ओह माय गॉड, इसने ये कलर पहना है. मैं पहली दफा इमो नहीं लग रही, पहली दफा इमो नहीं लगी, लेकिन मैं एक चीज इसकी दिखाती हूँ, अपनी आंखें दिखाओ, पूरी दिखाओ ना. ओ माय गॉड, इमोनेस की हद देख रहे हैं आप लोग, कि उसने ईस्टर्न में भी उसने इमोनेस अपनी ऐड की और मुझसे पूछी है ना, मैं इमो लग रही हूँ पैसे या नहीं लगे. अच्छा मुझे एक लाइन तुमने मारी थी अभी के अभी कपड़ों से. बोलो क्या लाइन मारी थी इसने मुझे, मारी थी खटिया की सोच के खट्टा रंग पाया से. यार ये है, लेकिन मैं अभी देखो ऑब्वियसली अब्दुल्ला की शादी में बेगाना नहीं लगना चाहती, बेगानी शादी में अब्दुल्ला नहीं लगना चाहती. मैं इतनी देर से अब्दुल्ला कौन है, लेकिन तुम तो बहुत प्यारी लगे, ठीक है. विदाउट मेकअप तो मस्त हो गया, मैं तो मेकअप करके भी खूबसूरत है, तो मेकअप के बगैर खूबसूरत है. थैंक यू, तो भाई इतना कॉन्फिडेंस चाहिए जिंदगी में. अच्छा खैर, अब हम लोग थोड़ा और तैयार होते हैं, जैसे कि ग्लॉस लगाते हैं और जूता शूता पहनते हैं, दुपट्टा शुपट्टा पहनते हैं, और फिर देखते हैं. लेट्स गो. ओके गाइस, सो रेडी वेडी हम लोग हो गए हैं, अब फौरन से जाना है, क्योंकि आंटी कह रही है कि जल्दी से निकलो बेटा, और ये निकल रही है छोटी सी लड़की, जल्दी निकलो. अब हम चलते हैं नीचे और अपना गुस्सा पहनते, क्योंकि मेरा गुस्सा नीचे है. ओके गाइस, सो फाइनली हम लोग जो है वो ढोलकी में पहुंच चुके हैं. हेलो कैसी हो? ये है हया की कोई कजन, ठीक है. तो इसको ले रही हूँ, अपनी लुक दिखाओ फुल, ये इसकी लुक है वो, और ये हया की लुक है फुल,
और मेरी लुक मैं आपको बार बार दिखाती हूँ, कब से कह रही हूँ लुक को है तुम दिखाओ मेरी लुक। ओके गाइस, ये मेरी पूरी लुक है। ऑब्वियसली प्लेन ही तैयार होना था ना, क्योंकि बेगानी साइड में वही अब्दुल्ला मुबारक तो नहीं ना होना था। खैर अब अंदर जाके दिखाते हैं। घर इनका इतना प्यारा है, यहाँ लाइट्स वगैरह सही लगी। अंदर जाके देखते हैं क्या होता है। ढोलकी शोलकी चल रही है, मैं बहुत कम ले सकी क्योंकि ऊपर एक तो इतनी ज्यादा गर्मी थी, मतलब ऐसी जैसी था लेकिन गर्मी बहुत थी, तो बहुत रेयरली मैं सबको ले सकी थी। ठीक है, और खूब हमने मतलब मजा क्या ही किया, बैठे हुए थे तो मेरी यहाँ एक बेस्टी बनी। ठीक है, हेलो कैसी हो, ठीक ठाक हो, कुछ कहना चाहती हो मेरे यूट्यूब को? अब ये कहना चाहती है कि बेस्ट ऑफ लक। ओके गाइस, तो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा मिला, हेलो कैसे हो? ठीक ठाक हो? अच्छा तुम देख दो कितनी बार हमारे ब्लॉग्स में आ चुके हो? तीन बार। ये ऐसा क्या, मैं तो पहली बार तुम्हारी शक्ल लेके, मुझे नहीं पता तीन बार किस किस के ब्लॉग में आ चुके हो। राबिया फैसल और मेरे ब्लॉग में आ चुके हो, मुझे पता ही नहीं है। शोल की कैसी लग रही है? मैं यहाँ का कजन हूँ। कह रहे हैं मैं इनका कजन हूँ, आपको पता है मैं कौन हूँ? बेगानी शादी में जो अब्दुल्ला आते हैं ना, वो मैं हूँ। ठीक है, मतलब कहावत पता ही नहीं होगी तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, छोटो एंजॉय करो। हाँ बिना बुलाए आई हूँ, ऐसे ही मुंह उठा के आगे जाके शिकायत लगाओ पर। ओके गाइस, तो हम कहाँ पे थे, छोटी बच्ची से मिली थी जो कि अब मेरी बेस्ट फ्रेंड ही कह सकते हैं बन गई। ठीक है, मैं पूरे मिनट कैसी लग रही है माइयों? काफी बोरिंग थी लेकिन जब से मैं आज से मिली काफी अच्छी हो गई। काफी मतलब मैं हूँ यार जैनब द बेस्ट हूँ तो क्या ही कह सकते हैं, लेकिन यार मेरी मास बहुत अच्छी बच्ची है और मैं पूरे इवेंट में इससे ही बस बातें करी क्योंकि और यार किसी की मेंटेलिटी मेरे साथ मिलनी ना, ये छोटी बच्ची हालांकि फिर भी लेकिन मेरी यू नो बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। तो अभी हम और इन्जॉय करते हैं। ठीक है, बहुत क्यूट लग रही हो वैसे आप। मैं तो खैर खटिया की सोच के रख पाया। अच्छा अभी हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ मेरे छोटे छोटे फैन भी, हेलो कैसे हो, बहुत भाग रहे हो, क्या नाम है आपका? इतना बदतमीज बच्चा, कह रहा है मैं क्यों बताऊँ अपना नाम, ऐसे कहते हैं। क्या नाम है वैसे आपका? अलमान। अच्छा अलमान नाम है, देख रही हूँ कितने छोटे क्यूटी से बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे। पिटाई हो जाएगी आप दोनों का, गुगलू मुगलू की आइस तो मैंने ले लेनी है। क्या नाम है आपका? किरत नाम है इसका यार, गुगलू मुगलू से किरत है। तो किरत हाय कर दो, हेलो आप भी करो हाय, हाय करो नहीं तो मैं उड़ा के फेंक देना है, हाय करो। गाइस ये तो शादी में छोटे बच्चे होते हैं ना, मेरा दिल चाहता है उनको कोने में लेके जाओ, बेल्ट पकड़ो, अट्टी जुमटी जो मारो, लेकिन बेल्ट काफी मुश्किल से मिले है ना। ओ हैवी बात कह दी, बेल्ट ही बहुत वापस सिर्फ शलवारें होंगी है ना, वापस सिर्फ शलवारें होंगी पहले ना। अभी खाना वाना भी खुला है, मुझे तो यार बहुत भूख लग रही है, मेन मेरा मकसद ही खाना खाने का था, नहीं ऐसी बात नहीं एंजॉय करने आई थी, भूख लग रही है बहुत ज्यादा। हेलो कैसी हो, ठीक ठाक हो? मैंने देखा था स्माइले पास करी थी ना आपको, मेरे भाई थी अंदर। खैर यार ये छोटे छोटे बच्चे बहुत क्यूट होते हैं, तो अभी खाना वाना खाते हैं, बाहर सारे हंस मना रहे हैं, मुझे यार इतनी गर्मी लग रही है, खाना खा के मिलती हूँ आपसे। और ऊपर से मेरे घर चाचू आए हैं, बाबा कॉल कर करके थक गए कि चाचू आए हैं, और बुरा लगता है कि मैं यहाँ हूँ और घर में चाचू है, तो अब मैंने घर जाना है और उनसे मिलना है। यहाँ पे खाना वगैरह अब हम खाना बस खाएंगे तो फाइनली मुझे घर छोड़ चुके हैं इन्होंने, तो अब यहाँ पे अरीब भाई और मेरे चाचू की गाड़ी ऑलरेडी खड़ी है, तो अब हम लोग चलते हैं अंदर। मुझे लग रहा है अंदर बहुत ज्यादा गेस्ट आए हुए हैं, तो देखते हैं क्या हालात है अंदर के, कि मैं शादी से तो फ्री हो गई थी। ओके गाइस, सो फाइनली घर के अंदर आए हैं और सब जो गेस्ट वगैरह हैं वो बस देख रहे हैं और मुझे पे सारे देख रहे हैं कि भाई जैनब तुम इतनी देर से कहाँ से आए हो, कहाँ थी, हमें इतना मजा आया, हमने इतना फन किया, बट तुम नहीं। मजा क्या किया, क्या तुम लोगों ने कोई गेम शेम खेली है? हमने बहुत मस्ती की है, हमने खाने खाए हैं, हमने गेम्स खेली है, हमने गाने गाए हैं, डांस
डांस किया ये सब तुम लोगों ने मेरे बगैर किया है, अल्लाह ताला तुम लोगों का पूछेगा। ऐसे बुरी बात होती है कि ज़ैनब भाई ऊपर और तुम लोग पीछे से मजे कर रहे हो। अब आ गई ना, अब थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो हमारे साथ। अच्छा इन लोगों पे आज हमने सामने चले, फिर सबसे मिलते हैं। चलो मेरी टांगे दबाओ। आप भी यू शुड बी द वन जिसको मेरी टांगे दबानी चाहिए, क्योंकि मैं थककर आया हूं। आप थककर थोड़ी आए, आप घर में बैठी हुई थी कब से? मैं घर में काम करके थकी हुई हूं, मेहमानों को परोस परोस के थक गई, तो मेरे पांव दबाओ। चलो यार आप पे ये कोई बात नहीं होती, मैं आपके पांव वैसे दबा दूं, मुझे कोई मसला नहीं है। मतलब देखो तो ऐसा पांव दबाओगे ना तो तुम्हारा गला दबाओगे। यार ये दुख तो रहा है आपका इतना प्यार के लिए, बस यार आप ही क्यों मैं हूं आपको पता, मेरे गुस्से ने मुझे मार दिए, पीछे से दर्द होने लग गया। चिट्टे गुस्से पहनकर क्या था लला 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 करता, गुस्सा पहन के आता पांव छोटे कर दो, आज जितने पांव है तुम्हारे इसलिए चुप चुप ऐसे कहते हैं। लेकिन सबने मेरी बहुत तारीफ की कि खटिया की सोच क्या रंग पाया, कड़ी से डोल गया थी। टिड्डू पकड़ी गई हो, यू पकड़ी गई हो, क्या कर रही हो कमरे में आके? मेरे क्या किया है? साइज माय लिपस्टिक्स खराब की हैं आज। मैं लिपस्टिक नहीं अप्लाई करती, मैंने नेचुरल लिप्स हैं। आपके प्यार ने खिलौने भी किए हैं? खिलौने क्या किए तुम लोगों ने मेरे? चीजी भी खाई है। कौन सी चीजी? आपने चीजी खाई है मेरी? चीजी ही खाई है बस आपके एक टॉफी से। क्या असल में खुद बताई खाई है ना इसीलिए वो बोल रही है। अच्छा मैं तूने खुद खाई है इसलिए बोल रहा है ना तू? बड़े चलाक हो गए हो, किसने कहा था कि मेरी चीजें वगैरह खा लाओ? नहीं मैंने कभी कुछ फातिमा ये फातिमा के काम है। चल यार एंजॉय कर, ठीक है आप भी एंजॉय करो क्यूटी जीजू मिशमी। ओके गाइस थोड़ा रेस्ट करते हैं। हेलो मम्मी कैसी हो? मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। तुम मेरे बगैर चली गई थी ना, मैंने कहा था मैंने माइयों देखना है। यार मजा बहुत आया, तो बहुत ज्यादा लोग आए थे, डांस शांस वगैरह सबके चल रहे, बहुत ज्यादा खूब मजा आया। जब से अभी यही तेरा ही पूछ रही है कि आप ये सच है? मानो के लिए जरा सरप्राइज होते हैं ना मेरे पास। एक वहाँ पे एक बच्ची कहती मैं इकरापी का बहुत बड़ा फैन हूँ। एक मिनट, तुमने कहा कि वहाँ मुझे एक बच्ची आई, उसने कहा मैं इकरापी का बहुत बड़ा फैन हूँ। ये बच्ची थी छोटा बच्चा था, छोटा सोच ले उसका जेंडर क्या था। छोटा बच्चा था, येलो कलर की शर्ट पहनती, उसको भी मैंने ब्लॉग में लिया। उसने आगे से बोला आपके तो सही मजे हैं, आपको तो यस चैनल पे यस चैनल जो चाहती हूँ खरीद लेती हूँ। मेरी जब इकरा कवल जैसी प्रो मैक्स बहन होगी तो ऐसे ही करूंगी। क्या बच्चे को डीफेम कर दिया? बच्चे को डीफेम नहीं, क्या वो बड़ा चलाक था, आया बाहर अपना 14 प्रो मैक्स पकड़ के कॉल पे कर रहा और ना कैमरे की फ्लैश ऑन हो गई उसकी। मैंने कहा बच्चे तो वीडियो बनाना मिलता नहीं तो कॉल पे बात कर, चलाकियां लगा रहा था वो। एग्जैक्टली। ओके गाइस सो मैं करती हूं व्लॉग को एंड। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अभी नेक्स्ट और भी इवेंट्स आएगा वो भी दिखाओगी, लेकिन अभी के लिए जो माइयां थी वो बहुत अच्छी गई। तब तक के लिए बाय।